Assalamu alaikum my viewers and listeners who are watching my YouTube channel Brilliant Software. आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होते हैं और SEO में इनका क्या किरदार है। चलते हैं वीडियो की तरफ। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड जो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए टाइप किए जाते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कहलाते हैं। एज एग्जांपल, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट आर के टू, हाउ टू कुक बिरयानी, इस तरह के जितने भी कीवर्ड हैं वो क्या कहलाते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ज़्यादातर क्वेश्चन पर मुश्तमिल होते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, इन जैसे लव्ज पर मुश्तमिल होते हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड अगर आप नया ब्लॉग बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकते हैं। जनरल क्वेरी करने के लिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और ये न्यू ब्लॉग के लिए, आप कोई भी आप न्यू ब्लॉग बना रहे हैं तो उसके लिहाज से इंफॉर्मेशनल कीवर्ड आपके ब्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो सकते हैं और आप इन कीवर्ड पर काम करके ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंशन हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आप ले सकते हैं, अपनी वेबसाइट को जल्द से जल्द रैंक करा सकते हैं। अगर आपने कमर्शियल वेबसाइट बनाई हुई है तो कमर्शियल वेबसाइट पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि आया कि आपको इंफॉर्मेशन कीवर्ड पर काम नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं कहता कि आया कि करें। कुछ लिहाज से कमर्शियल कीवर्ड ऐसे भी आ जाते हैं, कीवर्ड आ जाते हैं जो कि कमर्शियल कीवर्ड को, कमर्शियल वेबसाइट को भी टारगेट करने पड़ते हैं और ब्लॉगर पर भी, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ व्लॉग पर ही टारगेट करने पड़ते हैं, हमें व्लॉग टाइप हमने वेबसाइट बनाई हुई है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, प्राइस ऑफ SEO टूल, प्राइस ऑफ वीवो मोबाइल, वीवो V23 मोबाइल, प्राइस ऑफ आईफोन 13 प्रो मैक्स, इसमें क्लाइंट की डायरेक्ट इंटेंशन का पता चल रहा है कि वो प्राइस के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहता है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, इंफॉर्मेशन लेना चाह के आईफोन 13 की क्या प्राइस है, वीवो मोबाइल की क्या प्राइस है। तो आया कि ये भी हो सकता है वो प्राइस के लिए प्राइस सर्च करते चलते वो मोबाइल बाय भी कर ले। ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइस को वो डिफाइन कर रहा है, प्राइस सर्च कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट की, अगर वो नहीं लेगा, ये मुमकिन है किसी हद तक कि अगर वो प्राइस सर्च कर रहा है तो वो प्रोडक्ट बाय भी करना चाह रहा हो। इस तरह के इंफॉर्मेशन कीवर्ड, क्योंकि प्राइस वो प्राइस की बात कर रहा है तो ये उसके लिए इंफॉर्मेशन है किसी भी प्रोडक्ट की, यानी वो प्राइस गेन करना चाहता है, ये उसके लिए इंफॉर्मेशन है क्लाइंट के लिए, उसको पता चल जाएगा कि वहाँ प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, उसके इंफॉर्मेशन उसको नॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह के कीवर्ड आपको ई कॉमर्स जो आपकी वेबसाइट है उन पर आपको एक नेचुरली तौर पर आपको इनपुट करने पड़ेंगे, उन पर आपको जो आप कमर्शियल, सबसे पहले आप कमर्शियल कीवर्ड होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ कमर्शियल कीवर्ड कौन से होते हैं, उनको आपने टारगेट करना होगा और रिलेटेड कीवर्ड में आपने इस तरह के इंफॉर्मेशन कीवर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे। तो ये आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंफॉर्मेशन कीवर्ड या इस टाइप के हम कीवर्ड को कैसे गेन करेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली तौर पे बताऊंगा, कौन से टूल्स का इस्तेमाल होते हैं, SEO को कौन कौन से टूल्स हैं और उनको हम कैसे कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे न्यू कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको इंफॉर्मेशन कीवर्ड की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।